Morning, everybody. Morning. Please have a seat. पहले आप लोग देख लो आराम से, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा. आपको फर्स्ट टाइम लाइव देख रहे हैं ना? हाँ. फील हो रही है सर एनर्जी. आप लोग क्या चाहते हो मैं किस टॉपिक के बारे में बात करूं? व्हाट डू यू वांट? मैं उसी टॉपिक को टच करूंगा. सिंपलीफाइंग द लाइफ. ओके. हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस. हाउ टू मेक बेटर डिसीजंस. सर, हाउ वी कैन रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन नोइंग एंड डूइंग. नोइंग एंड डूइंग. अच्छा, हमको पता होता है क्या सही है लेकिन करते गलत है. यस सर. Make your life peaceful in every situation. Okay. Anything else? और कुछ? Sir, कुछ ऐसा जो यहाँ से जाके apply कर सके. Apply कर सके. आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला आपको? आपने तो मेरी धज्जियाँ उड़ा दी एक मिनट के अंदर अंदर. ठीक है, मैं पहली बार कुछ ऐसी बात करूँगा जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको. हाँ. हमें पता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, बट स्टिल हम लोग डरते हैं. एंड लाइक आलस को ही ले लीजिए, हमें पता है कि हमें टाइम को रखना चाहिए, हमें अच्छा खाना चाहिए, बट हम वो नहीं करते जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है. जब हम दूसरों को एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं अरे इसमें डरने की क्या बात है, और हम कहते हैं जो होना है वो होना है, तो जस्ट डू योर वर्क. वही जो गीता में कहा जाता है कर्म के ऊपर ध्यान दो, फल की इच्छा मत करो. लेकिन जब हम अपने उस सिचुएशन में जाते हैं तब भटक जाते हैं. देखो, या अगर उन्हें ध्यान भी आ जाता है सपोज कि ये करना है, तो कुछ टाइम बाद अगेन वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. जो हमारा मन है वो कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा जिसमें हमको मज़ा आता है, जिसमें दर्द होता है, उन सब चीज़ों को हम छोड़ेंगे. तो अब पॉइंट ये आता है कि किस तरह से अपने मन को समझाया जाए वो काम करने के लिए जो करना सही तो है लेकिन उसमें मज़ा नहीं है. तो इस मन को कैसे संभाला जाए? तो मन को संभालने का सिर्फ एक तरीका है, वो है हमारी बुद्धि, दैट इज इंटेलिजेंस. आपकी समझ जितनी गहरी होती चली जाएगी उस चीज़ से रिलेटेड, तो जैसे ही आप उसको देखोगे आपको समझ आ जाएगा इसकी वजह से क्या होने वाला है. अभी भी समझ तो आता है लेकिन वो समझ इतनी गहरी नहीं है. जब वो समझ गहरी होती चली जाएगी तो आप उसको छोड़ दोगे. सर, ये अभी बोलने का तो अपन सब बोल देते हैं, सब सर आपकी सब सीजन मैंने सुने हुए. सब लगता है कि हाँ, जैसे मॉर्निंग होती है तो मैं कोई ना कोई अपना एक सीजन देखता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे इवनिंग होती जाती है, नाइट होती जाती है, सब निकल रहा है. देखो, इसको ध्यान से समझो. लाइफ जो है ना वो एक बहती हुई नदी के जैसी है. उसके ऊपर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक बहते हुए पानी के ऊपर लकीरें खींच रहा हूँ. पॉसिबल है? नहीं है. तो अब क्या इसका तरीका है कि जो पानी में मूवमेंट होती है, कभी समझा है कि एक नदी में लहरें कैसे उठती हैं? अंदर बीच बीच में कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, है ना. जहाँ पर पत्थर एक पर्टिकुलर तरीके से पड़े हुए हैं वहाँ पर भाव तेज़ हो जाता है, जहाँ पर किसी अलग तरीके से पड़े हुए हैं वहाँ पर नदी शांत हो जाती है. तो उन पत्थरों की वजह से गड़बड़ होती है. तो जब तक जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने तो एक लकीर खींची, आपने सुना और उसको भूल गए, कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में. बट उस लकीर को अंदर जो पत्थर पड़े हुए हैं उसके ऊपर आपने खुद खींचना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे उन पत्थर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. जैसे ही आपने कुछ बातें भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाए, अगर एक भी बात प्रैक्टिस में नहीं लाए तो क्या हुआ? पानी पे खींची हुई लकीर बनी और मिटी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई कितना भी बड़बड़ करता रहे. आपने क्या किया? उस बात को पकड़ा और ये देखा कि मैं अपने लाइफ में किस तरीके से इसको उतार सकता हूं. आपने कोशिश करी, फेल हुए, हो गई, क्योंकि नीचे जो पत्थर पड़े हैं उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो तो दम लगाना पड़ेगा. अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे. आप चेंजेस लाए, धीरे धीरे लाए, धीरे 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 उन पत्थर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. आपकी जो पूरी की पूरी पर्सनालिटी है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे. फिर धीरे धीरे क्या होगा, जितने भी पत्थर हैं आपकी लाइफ में एक झटके में सब तोड़ दोगे. उसको देखा और पत्थर गायब, प्रॉब्लम्स गायब, कहीं कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल शांत नदी के जैसे हो गए. अब आपके ऊपर है क्या करना है. अपने हाथ में कंट्रोल आ गया ना. अभी अपने हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, जैसी हमारी आदतें हैं उसके हिसाब से हम चले चले जा रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है. और वो आदतें कितने सालों में बनी है? बहुत सालों में. तो वो आदतें क्या एक घंटे का कुछ सेशन सुन करके बदल जाएगी? नहीं बदलेगी. उसके लिए पहला स्टेप है, आपको ये बोलना होगा अपने माइंड में, बात तो सही है. अब जब सही है और मुझे पता है कि क्या गलत है, तो सही को मुझे अपनी जिंदगी में उतारना है. गलत है मेरी आदतें, सही है एक सोच, तो सोच को आदतों में बदलना है. फिर आपकी बुद्धि जितनी स्ट्रांग हो गई. बुद्धि कैसे स्ट्रांग होती है? बहुत बड़ी समझने वाली चीज है.
सही चीज़ के बारे में सोचने से आपकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है। जो उल्टी सीधी बातें होती हैं इस दुनिया में या उल्टी सीधी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती है, उसी के बारे में सोचते रहोगे तो क्या होगा, बुद्धि कमज़ोर हो जाएगी, मन स्ट्रांग हो जाएगा। मन मतलब समझते हो ना, हमारा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं दारू पीऊँ, गाने लगाऊँ, डांस करूँ और 200 की स्पीड पर गाड़ी चलाऊँ, ये क्या है, मन है। लोग करते हैं नहीं करते हैं ऐसा, करते हैं, क्यों करते हैं, मन उनकी बुद्धि पे हावी हो गया है। बुद्धि क्या कहेगी, पीना है पी ले, नाचना है नाच ले नाइट क्लब में, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएगा, ये किसका काम है, बुद्धि का है। और बुद्धि को आप छोड़ ही दो, अपने आप को फंटूश समझने लग जाओ, जो आ रहा है सामने से उससे लड़ाई झगड़ा करो, क्या हो, आप सिर्फ अपने लिए खतरा नहीं पैदा कर रहे, पूरी दुनिया के लिए भी खतरनाक हो। ऐसा आदमी सिर्फ अपने लिए पनौती नहीं है, सबके लिए पनौती है, किसी के लिए भी कुछ भी गलत कर सकता है, इसलिए बुद्धि को स्ट्रांग करना है। समझ आ गया ना, पहला स्टेप ऐसी बातें आपके अंदर डालना, वो तो गई, क्योंकि पूरी दुनिया का काम कुछ और है, वो है कि जो आपकी आते हैं उससे रिलेटेड चीजें आपको दिखाई जाए, आपको बड़ा मजा आएगा, है कि नहीं, जैसी आते आपकी पड़ी हुई हैं वैसी चीजें आपको दिखाई जाओ, मन को बड़ा मजा आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बड़ा भारी काम कर रहा हूँ, आपकी आते कुछ और हैं, मैं कुछ और बातें कर रहा हूँ। अब आपने एक्सेप्ट किया, आपने कहा कि वो सही है, उसमें से कुछ सही है कुछ गलत है, मान लो आपने कहा हाँ ये बातें सही हैं, उसको अपनी जिंदगी में उतारा, अपने अंदर चेंजेस लेकर के आए, धीरे धीरे एक प्रोसेस शुरू हो गया आपके ट्रांसफॉर्मेशन का, अब आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जितने ये चेंजेस आपके अंदर आएंगे उसमें से जो आपको खुशी मिलेगी, वो जो मन को खुशी मिलती है ना छोटे छोटे प्लेजर्स के थ्रू, उससे लाख गुना बड़ी होगी। आपके अंदर एक कमी है आपको पता है, और उस कमी को आप ओवरकम कर जाओ, उसमें खुशी ज्यादा मिलेगी या उस कमी के अकॉर्डिंग चलते चले जाओ उसमें ज्यादा खुशी मिलेगी, ओवरकम कर जाओ। आपके अंदर डर है एक सही काम करने का और उसको आप कर जाओ, क्या होगा, मजा आएगा। अब आपको मजा किसी और चीजों में आने लग गया, अभी मजा आ रहा है गलत चीजों में, अब मजा किसमें आ रहा है, छोटी छोटी सही चीजें करने में, इसमें आपको मजा आ गया, तो अब आप क्या करोगे, आप बड़ी बड़ी सही चीजें करोगे। अभी क्या कर रहे हो, छोटी छोटी गलत चीजों में पहले मजा आता है, फिर उसमें मजा आना बंद हो जाता है, उससे हम बोर हो जाते हैं, तो हम बड़ी बड़ी गलत चीजें करते हैं, फिर और गलत बढ़ते ही चले जाते हैं। ये अभी हो रहा है इस दुनिया में, करना क्या है, मजा लेना है सही चीजों, सही कामों में आपको मजा आना चाहिए, सच बोलने में मजा आना चाहिए। कि हजार लोग बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, उनके बीच में आप अकेले खड़े हो जाओ और जाकर के सच बोल दो, देखो मजा। अब उसको थोड़ा समझदारी से करना है, इसीलिए इसी को बुद्धि बोलते हैं, है ना, इसको भी याद रखना है, क्योंकि पॉलिटिशियन है, पता है वो चोर है और सारे उसके सपोर्टर्स हैं, उसमें बीच में आप जाकर तू चोर है होलिया बिगाड़ देंगे, ऐसे काम नहीं करने, तो जबरदस्ती हीरो नहीं बनना है। द पॉइंट इज यू नीड टू टेक अ स्टैंड वेयर इट इज नेसेसरी, एब्सोल्यूटली नेसेसरी, वेयर इट इज नॉट नेसेसरी जस्ट कीप क्वाइट, चुप हो गए वो भी तो अपने आप में एक स्टैंड लेना है। 10 लोग बैठ करके कुछ उल्टी सीधी डिस्कशंस कर रहे हैं किसी शादी में या अपनी कोई गेट टुगेदर है, वहां पर होती यही सब है बातें, वहां पर आप चुपचाप बैठे, बस खत्म। ये स्टैंड लेना नहीं है अपने आप में, बहुत बड़ा स्टैंड है। आपने क्या कहा, वो कर रहे हैं करने दो, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। अब आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कैसा होगा, बढ़ जाएगा ना, यहां से कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। फिर आदमी कहता है कि मैं ये कर सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं, फिर मैं ये भी, फिर धीरे धीरे वो लेवल बढ़ता चला जाता है। फिर एक दिन ऐसा आएगा आप कहोगे कि पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी है, 700 करोड़ लोग भाग रहे हैं भेड़ बकरे की तरह, मैं यहां पर अकेला खड़ा हो सकता आकर, तुमने जाना है जाओ, मैं तो यहीं खड़ा, तुम्हें जो सही लगता है लगता है, मुझे नहीं लगता। सर लेकिन मन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, तो इस चीज को लेके इसमें फेल भी होंगे बार-बार। हाँ हाँ ऑब्वियसली, बुद्धि भी बहुत पावरफुल है, बुद्धि को अंडर एस्टिमेट मत करो, बुद्धि की पावर मन की पावर से बहुत ज्यादा बड़ी है। आपकी समझ से आप कुछ भी कर सकते हो, एक बार अपने आप को प्रॉपर तरीके से समझा दो। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, बहुत सिंपल, जिससे आप सब रिलेट कर पाओगे। आपकी मदर है
और आपकी गर्लफ्रेंड है, दोनों को जब देखते हो तो अंदर जो रिएक्शंस हैं वो एक जैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप्स डिफाइंड है दैट। ये रिलेशनशिप्स कहाँ डिफाइंड है, मन में या बुद्धि में? बुद्धि में। इसको बारीकी से समझ लो। मन क्या कहता है? मन को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। मन मतलब वो एक्सपीरियंसेस के पीछे भागेगा। ये मन की फितरत है जिसको बदला नहीं जा सकता किसी हालत में। लेकिन मैंने अभी क्या कहा कि बुद्धि मन से लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। तो मन के स्तर पे चाहे आपकी मदर हो चाहे गर्लफ्रेंड हो, दोनों ही एक बॉडी है। मन में क्या फर्क है? मन के लिए कोई फर्क नहीं है, सिर्फ बुद्धि में ये बैठने की वजह से कि वो मां है, वो ही बॉडी जो देखने में बिल्कुल मिलती जुलती है किसी और बॉडी से, हमको अलग दिख रही है। क्या फर्क आया है? कुछ भी फर्क नहीं है मन के लेवल पे। बुद्धि के लेवल पे फर्क आ गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया, रिएक्शंस बदल गए। टच करोगे मदर को, अलग तरह की फीलिंग होगी। देखोगे मदर को, अलग तरह की फीलिंग होगी। मदर की आवाज सुनोगे, अलग तरह की फीलिंग होगी। गर्लफ्रेंड को देखोगे, सुनोगे, टच करोगे, अलग तरह की फीलिंग होगी। क्या हो रहा है ये? मदर को जब ऐसे टच करते हो तो ऐसी फीलिंग क्यों नहीं होती? बुद्धि में संस्कार पड़े हैं। हमारे यहां पे इंडिया में या ईस्ट में ये जो संस्कार है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मां मतलब भगवान का रूप, तो ऐसा ख्याल आ ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं आ सकता। आज तक ऐसा किसी को सपना भी नहीं आया होगा, आई कैन बेट। इसको बुद्धि बोलते हैं। तो अगर एक बात आपको बारीकी से समझ आ जाए, मन की कोई औकात नहीं है आपकी बुद्धि के सामने। आपको समझ आ जाएगी ये जो मैं खाने वाला हूं ये मेरे लिए सही नहीं है, अब मन क्या करेगा, नहीं खा रहा। आप समझ गए ना? आपको समझ आ जाएगी शादी के बाद अगर ये मेरी वाइफ है तो बस इसके साथ, तो सिर्फ इसके साथ। समझ आ जाए ये बात, बारीकी से समझ आ जाए तो क्या होगा? आप किसी को भी देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला, कोई रिएक्शन ही नहीं उठेगा अंदर से, रिएक्शन उठने बंद हो जाएंगे, मन जीरो हो जाएगा। इसको बुद्धि बोलते हैं। आजकल हो क्या रहा है, जिस तरह की दुनिया बन गई है, जिस तरह की मूवीज आ रही हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, किसी को देख करके कुछ भी ख्याल आने लग जाएंगे। अब आप मर गए, आप फंस गए, अब आपको मरने से कोई नहीं बचा सकता। आप समझ गए? अब आपके जो डिसीजंस होंगे लाइफ में वो किसके बेस पे होंगे, आपकी मन के बेस पे या आपकी बुद्धि के बेस पे? और जो भी आदमी अपने मन के बेस पे डिसीजंस लेगा वो आज नहीं तो कल मरेगा। आपकी वाइफ है आपके घर में जिसके साथ में आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, ऑफिस में कोई कलीग है, मन उसकी तरफ भाग रहा है, अब क्या करोगे, कैसे रोकोगे इस मन को? मर गए ना, उधर बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, अच्छी रिलेशनशिप गई तेल लेने, इधर मन मन की वजह से मतलब कि कुछ सेकंड्स के प्लेजर के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली, और इस कलीग ने भी आपको लात मारी, कैसे ऐसा जाएगा, जो अपनी बीवी का नहीं हो मेरा क्या होगा, खत्म। क्या हुआ, पूरी लाइफ की धज्जियां उड़ा दी ना एक सेकंड के अंदर अंदर। किसने उड़ाई? किसी और ने, जो बाहर वो फीमेल थी उसने, आप ही के अपने मन ने। इट हैज टू बी एब्सोल्यूटली क्लियर, एब्सोल्यूटली क्लियर कि क्या सही है क्या गलत है। और जब इसको पूरी तरह से आप पकड़ लेते हो, अब ये एक दिन में नहीं होने वाला। अभ्यास अगर हम करते रहे, सपोज हमारा मन डाइवर्ट हो रहा है लेकिन हम उसे रोक रहे कि नहीं ये सही नहीं है, मतलब हो रहा है अब जो मन में है कुछ तो सर हो रहा है डाइवर्ट, पर जब हम अभ्यास कर रहे कि नहीं करना नहीं करना नहीं करना, तो सर यहाँ पे ये यूजफुल होगा कि हम रोक लेगा। अब अभ्यास क्या है इसको ध्यान से समझो। अभ्यास को विवेक भी बोलते हैं। अभ्यास लोग क्या मतलब निकालते हैं, आपका मन किसी की तरफ भाग रहा है उसको रोको। अरे आप जितना रोकोगे उतना और ज्यादा भागेगा, कभी करके देखना। आपका मन, आप एक मेल हो जो यंग हो, किसी फीमेल की तरफ भाग रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्या होगा, रोको उसको? नहीं, मन को वहां जाने से रोकना है। नहीं, 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 मन उसको, अरे आपको प्यार हो जाएगा उस लड़की से,
समझ गए, ये लव एट फर्स्ट साइड है क्या? जितना आपको रोका जाएगा, जितना आपके घर वाले आपको रोकेंगे, जितना आप अपने आप को रोकोगे, उतना ही आप और अट्रैक्ट होते चले जाओगे उसकी तरफ। इसको अभ्यास नहीं बोलते हैं, दिस इज नॉट अभ्यास। अभ्यास मतलब क्या? विवेक, बुद्धि। आपका मन किसी की तरह भाग रहा है, बुद्धि को बीच में ले आओ, समझ को बीच में ले आओ, रियलिटी को बीच में ले आओ, देखो क्या होगा, उसके एंड तक जाओ कि मैं क्यों पागल हो रहा हूं उसके पीछे, किस लिए। मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ में मैं ऑलरेडी सीरियस हूं फॉर एग्जाम्पल, तो इससे होगा क्या? ये जहां पर मेरा मन भाग रहा है, इससे होगा क्या? अपनी लाइफ के साथ क्यों खेलूं, क्यों फंसू जा करके एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर ना मैं यहां कर रहा हूं ना मैं वहां कर रहा हूं। समझ पा रहे हो? सिंपल है ना? तो इस बुद्धि के थ्रू आप उस पूरी सिचुएशन को एज इट इज देख रहे हो कि ठीक है ये हुआ। मन क्या करता है? वो सिर्फ अभी के बारे में सोचता है। मन सिर्फ ये कहेगा हाँ ठीक है अभी बस खत्म, अपनी हैबिट के थ्रू चले चले जा रहे हो। तो यहां पर बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा अपनी बुद्धि को, स्ट्रांग वर्ड्स बोलने पड़ेंगे बुद्धि से मन को, तो मन ढह जाएगा। मन को जैसे ही खतरा नजर आएगा ना, मन हथियार डाल देगा अपने। अभी मन को मजा नजर आ रहा है इसलिए मन भाग रहा है, मन को थोड़ा सा डरा दो, पीछे आकर के साइड में बैठ जाएगा। बुद्धि से, अपनी समझ से, इसको समझ बोलते हैं। अगर हम इस चीज को छोटे एग्जांपल पे इंप्लीमेंट करें, लाइक फूड, अगर मैंने ये सोचा है कि मुझे लाइक रात में ये फ्रूट सिखाना है, ठीक है, तो एक दिन मैं फ्रूट सिखाऊंगी, मैं बुद्धि को समझाऊंगी कि नहीं ये मेरे लिए गुड है, दूसरे दिन भी खाऊंगी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, फिर जब पाँचवा दिन आएगा तो मेरा मन मुझ पर हावी होगा, अरे चल पिछले मतलब चार दिन से तो खाती आ रही है, आज लेट्स टेक ए ब्रेक। वेरी गुड पॉइंट। देखो इसको भी ध्यान से समझो क्या होता है, क्योंकि जो भी आप बातें कर रहे हो ना, वो सारी बातें मैं अपनी लाइफ में उतार चुका हूँ, तो आई रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। कभी भी मन के साथ बड़े पंगे मत लो जब तक कि आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाए। अभी 99% आपका मन हावी है आपके ऊपर, 1% बुद्धि काम कर रही है, तो इस 1% से आप 99% को कैसे संभाल लोगे? तो क्या करो, शुरू में छोटे छोटे चेंजेस करो, मन के लेवल पे छोटे छोटे चेंजेस करो। बचपन से आज तक आपको एक पर्टिकुलर तरह के खाने की आदत पड़ी हुई है, अब आप डाइटिंग के नाम पे कुछ और खाने लग जाओ, क्या होगा? मन बौखला जाएगा, आपकी बॉडी में तरह तरह के रिएक्शंस होना शुरू हो जाएंगे, सरदर्द होना शुरू हो जाएगा, अंदर घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। आदमी कहेगा चलो छोड़ो ना यार, करो जो मन कह रहा है वो करो, खा लो सब कुछ, ऐसा ही होता है। इसका तोड़ क्या है? बुद्धि से आप ये समझो कि जरूरी नहीं है कि मेरे को लग रहा है कि रात को फ्रूट्स खाना अच्छा है तो वो मेरे लिए अच्छा हो। अब ये मैं फैक्ट के बेस पे बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से रात को फ्रूट खाना बहुत गलत है। फ्रूट्स खाने का या कुछ भी मीठा खाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है सुबह उठते ही, उस टाइम पे बॉडी का मेटाबॉलिज्म गिरा हुआ है, उसको उठाना है। अब ये सब बातें मैं कहाँ से कर रहा हूँ? मन के लेवल से, बुद्धि के लेवल से। डाइट का गोल्डन रूल क्या है? नेवर मेक मेजर चेंजेस इन योर डाइट। वो ना आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, ना आपके माइंड के लिए अच्छा है। हमारी अपब्रिंगिंग जिस हिसाब से हुई है उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक लॉजिक है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में इस तरह का खाना क्यों बनता है, उसके पीछे लॉजिक है कि वहाँ पर सर्दी ज़्यादा है, यहाँ पर इस तरह का खाना क्यों है क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, दाल चावल क्यों चलता है यहाँ पर क्योंकि ये है वो है, देयर इज़ अ पर्टिकुलर रीज़न। तो उसी दाल चावल को कुछ अलग तरीके से खाना शुरू कर दो। हो सकता है उसमें आप कोई ऐसा ऑयल डाल रहे हो जिसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा ऑयल डालो जिसमें पूफा और मूफा ज़्यादा है। पूफा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मूफा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऐसा ऑयल डालो, उससे क्या होगा? वो ऑयल अच्छा है, वो आपकी बॉडी का जो फैट है उसको घटाएगा। ज़्यादातर हम कैसे चलते हैं? ज़्यादातर मैंने देखा लड़कियों को स्पेशली वेट के अकॉर्डिंग चलती हैं कि हर रोज़ अपना वेट चेक कर रही हैं कि मेरा वेट कितना कम हुआ। वेट कम होना अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के लिए। जो मसल्स होती हैं थोड़ी सी भी घटी तो आपका वेट कम हो जाएगा 3 किलो, फैट आपका बहुत ज़्यादा घटा तो आपका वेट कम होगा 1 किलो। आप समझ गए? निकालना क्या है बॉडी में से? फैट को निकालना है, मसल को बढ़ाना है। तो आपको क्या पता आप अपना वेट कैसे गिरा रहे हो? फ्रूट्स खाओगे उसमें प्रोटीन तो है नहीं, हुआ क्या? फैट तो बढ़ रहा है और मसल्स घट रही हैं। आप सुबह उठ करके अपना वेट देख रहे हो, कह रहे हो अरे मेरा वेट लॉस हो गया। इस वेट लॉस का करोगे क्या? बॉडी में 1000 तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी।
ये बुद्धि, बुद्धि क्या करेगी, मन में माइनर चेंजेस लाएगी, आपकी बॉडी में आपकी जो डाइट है उसमें माइनर चेंजेस, नॉट मेजर, आपको पता भी नहीं लगेगा आपके मन को, मन को आपने चीट कर दिया बुद्धि से। सर तो एक्चुअली में जो सही होता है और जो हम सही सोचते हैं उन दोनों में डिफरेंस, बहुत बड़ा गैप है जी, बहुत बड़ा गैप है। इसे कम करने के लिए क्या करना है? अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ उस चीज की। जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अगर आपको नहीं भी पता सही और गलत क्या है तो फर्क नहीं पड़ता। सपोज दो पॉलिटिकल पार्टीज है, उसमें कौन सही है कौन गलत है, लोगों को इसकी पूरी नॉलेज है, बेकार की डिस्कशंस कि मेरे हिसाब से ये पॉलिटिशियन, दूसरा बंदा आएगा मेरे हिसाब से ये, लगे रहो क्या होगा इससे। और उनसे पूछो आपकी हेल्थ के बारे में आप क्या जानते हो, जीरो। बोलो अबे घोचू, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। जो सबसे जरूरी चीज है आपके लिए वो है आपकी हेल्थ। अभी हॉस्पिटल चले जाओगे तो जाकर के डॉक्टर के पैर पकड़ लोगे, बचा लो मुझे, बचा लो किसी भी तरीके से, खुद को नहीं बचा रहे, क्या कर रहे हैं। इसको बोलते हैं मन के हिसाब से चलना, या ये कह लो बुद्धि को लगाना भी तो बेकार जगह पे लगाना, ऐसी जगह पे जहां पे लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसी ऐसी जगह पे लोग लगा रहे हैं टीवी सीरियल उल्टे सीधे देख करके, उसी के बारे में बुद्धि लगा रहे हैं, अच्छा कल क्या होगा। मैं कुछ भी हो तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, तेरी लाइफ कैसे बेटर होगी, समझ गए। बेकार की जगह बुद्धि लग रही है, यहां से हम अपनी एनर्जीज को खराब कर रहे हैं। बुद्धि को लगाओ सही जगह पे, और जितनी आपकी समझ गहरी होती चली जाएगी उतना आपका कंट्रोल आ जाएगा अपने मन के ऊपर, मन कंट्रोल्ड हो जाएगा। अब मन को कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा, हर चीज करो बैलेंस में, दिस इज दी ओनली सॉल्यूशन। ये जो एक्सट्रीम में हम चले जाते हैं ना, वहां जाकर के हम मरते हैं। एक्सट्रीम में आप डाइटिंग करो मारे जाओगे, बहुत ज्यादा खाओ मारे जाओगे, समझ करके लिमिट में खाओ कोई दिक्कत ही नहीं है, आप समझ गए ना। ऐसे ही हर चीज में है, हर जगह पर आप अप्लाई कर दो, जिस चीज की जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा उसको मत दो तो बच जाओगे। ये सारे काम किसके हैं, बुद्धि के हैं। मन क्या करता है, किसी चीज की इतनी सी वैल्यू है उसको इतनी वैल्यू दे देता है कि पता नहीं क्या हो गया। मन मतलब बहुत ही कनिंग है सबका, सिर्फ आपका नहीं मेरा भी। अब अगर हमको समझ आ जाए कि मन कनिंग है, ये किसको समझ आएगा, मन को तो कभी आएगा नहीं, बुद्धि को आएगा ना। तो अब आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे ही वो कुछ उल्टे सीधे काम करेगा, उल्टी सीधी चाल चलेगा, तो अब आप अपनी बुद्धि को बीच में ला करके उस मन को साइड कर सकते हो। क्या कर रहा है, क्या होगा इससे, बुद्धि को ट्रेन कैसे करेंगे, स्ट्रांग कैसे करेंगे। बताया ना मैंने बुद्धि को स्ट्रांग, बुद्धि का जो फूड है, देखो इट्स अ गुड क्वेश्चन, मन का फूड क्या है, एक्सपीरियंसेस। जिन एक्सपीरियंसेस में आपको मजा आता है, जितना आप मन को वो एक्सपीरियंसेस दोगे, मन उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। और मन को हमेशा बेटर एक्सपीरियंसेस चाहिए। आज अगर आपके मन को एक पैग में मजा आया तो अगली बार मन को क्या चाहिए, एक ही पैग चाहिए जिंदगी भर के लिए, अगली बार डेढ़ पैग चाहिए, फिर दो पैग चाहिए, फिर तीन पैग चाहिए, फिर चार पैग चाहिए, फिर आठ पैग मारने के बाद कुछ हुआ ही नहीं। देखिए ऐसे पंटर लोग, अरे मुझे कुछ नहीं होता, आठ पैक ले चुका है लार्ज अंदर और उसको कुछ हो ही नहीं रहा, टैंकर। आप समझ गए ना, ये है मन जो बड़ा होता है एक्सपीरियंसेस के बेस पे। फिर वो एक्सपीरियंस चाहे सही हो चाहे गलत हो, मन को इससे कोई मतलब नहीं है, मन को मजा आना चाहिए। आपके लिए सही हो या गलत हो, मन को इससे कोई मतलब नहीं है, आपको बर्बाद कर दे, आपकी किडनी को फाड़ दे, कुछ भी कर दे, मन को मजा आना चाहिए, मन को मजे चाहिए। बुद्धि कैसे चलती है, फैक्ट्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये सब जो मेरे सेशन है किसके लिए है, आपके मन के लिए है, बुद्धि के लिए। बुद्धि को स्ट्रांग करो, रियलिटी को देखो, जिस भी काम को आप कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन को लो पक्के तरीके से। लोग सिर्फ बाहर भाग रहे हैं, और बाहर सब कुछ किसके लिए है, सिर्फ मन के लिए, समझ लो इस बात को अच्छे तरीके से। ये पूरी दुनिया किसके लिए है, ये मार्केट प्लेस है जहां पर जो बड़े बड़े मार्केटर्स हैं वो आपको जहर भी बेच देंगे अगर उनको पैसा मिलता है तो, और बेच ही रहे हैं। और कैसे बेचेंगे, आपके मन को खुश करके, आपको टेस्ट अच्छा लगना चाहिए, कुछ भी बेच दो, कचरा भी खिला दो खा लोगे, है कि नहीं। बुद्धि को कैसे स्ट्रांग करें,
सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन, सही और गलत के बीच में फर्क, इस तरह से जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इस चीज के बारे में सोचेंगे और अपनी जिंदगी में धीरे धीरे करके उतारेंगे, तो क्या होगा? इससे हमारा मन स्ट्रांग होगा या बुद्धि स्ट्रांग होगी? बुद्धि स्ट्रांग होगी, बुद्धि पावरफुल होती चली जाएगी। जितनी बुद्धि पावरफुल होगी उतना ही आपके हाथ में कंट्रोल होगा अपनी लाइफ का, अपने माइंड का। माइंड की तीन कमजोरियां हैं, अगर उसको आपने पूरी तरह से कॉन्कर कर दिया एक एक करके, तो आप समझ जाओ कि अब ये माइंड आपके हाथ में है। क्या है वो? पहला, जब भी हमारे साथ में कुछ अच्छा होता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आप सोच रहे थे बहुत टाइम से, मेरे दोस्त की शादी आएगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो करूंगा, होता है ना ऐसे, हम कई बार सोचते हैं ना कि इसकी शादी में तो मैं फाड़ दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं घोड़ी को भी नचा दूंगा। ऐसे में क्या होता है? आदमी होश से बेहोश हो जाता है। जब भी कुछ ऐसा होता है आपके साथ में जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि ये मेरे साथ होना चाहिए और बुरी तरह से सोच रहे थे, उसके लिए तड़प रहे थे और वो हो जाता है, तो हम होश से बेहोश हो जाते हैं। हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है, अपनी बॉडी के ऊपर और अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, हम उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं। बहुत लोगों को देखा होगा जब जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं तो बहकने लग जाते हैं, लोगों से बदतमीजी से बात करने लग जाते हैं। नोट किया है? बाद में खुद ही पछताते हैं, बाद में खुद ही रोते हैं बैठ करके कि यार आई एम सॉरी, उस टाइम पे मेरे को ना पता नहीं था, मुझे होश नहीं था। क्या है? तो लाइफ में कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, एक्साइटेड होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। जो करना है लिमिट में करना है, बैलेंस को बना करके रखना है, माइंड को कंपोज रखना है। यह है पहली आर्ट जो हमको सीखनी है। दूसरा, जिस वक्त आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप चाहते हो कि ना हो, उस वक्त क्या होता है? हमारे होश की क्या हालत होती है? डामाडोल होने लग जाता है, हम पागल होने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, बौखलाने लग जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं, होता है? मतलब आपकी वाइफ ने या आपकी गर्लफ्रेंड ने या आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद नहीं है, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तभी आप आराम से बैठ करके होश में उस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं बिना रिएक्ट किए, और फिर डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कैसे एक्ट करना है। मतलब अगर जरूरत है तो देखो, दोनों में फर्क बारीकी से समझना। एक है आप गुस्सा कर रहे हो, आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा कर दिया, एक है आप ढोंग कर रहे हो गुस्सा करने का। दोनों में फर्क है या नहीं है? मतलब आप ये जानते हो कि गुस्सा उठा, लेकिन गुस्सा सिर्फ एक फीलिंग है। जैसे एक अच्छी फीलिंग होती है, एक अच्छी सेंसेशन होती है, ऐसी गुस्से की वजह से एक सेंसेशन होती है जिसको आप बुरा बोल रहे हो। आप चूज कर सकते हो कि मुझे इस सेंसेशन को अपने ऊपर हावी होने देना है या नहीं। अगर हावी होने देना है, कितनी देर के लिए? जैसे अभी कुछ महीने पहले मैं एक डेंटिस्ट के पास में गया था, मेरे टीथ में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उसने कहा कि इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे कि सुन हो जाएगा, आपको दर्द का पता नहीं लगेगा। मैंने कहा आप इंजेक्शन मत लगाओ, आप करो जो करना है ना। एंड ही स्टार्टेड डूइंग इट, और दांत का जो दर्द होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। मैंने कहा मैं देखूंगा क्या हो रहा है, एंड विथ फैसिनेशन आई वॉज जस्ट वॉचिंग इट, वॉचिंग द होल मूवमेंट कि क्या होता है। एक डर होता है जब उनका वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर टच होने वाला होता है, उनकी नाइफ टच होने वाली होती है, उससे पहले ही दर्द होना शुरू हो जाता है। वो दर्द जिसको हम दर्द बोलते हैं, जो डर है एक्चुअल में, डर किसका है? एक सेंसेशन होने का है, उसकी वजह से ऑलरेडी एक सेंसेशन ट्रिगर हो गई है। अगर उस डर को हम उसी मोमेंट में देख लेते हैं तो वो डर वहीं पर ढह जाता है। उसके बाद में वो टच करते हैं, उसके बाद में पेनफुल सेंसेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। उस टाइम पे अगर हम फैसिनेशन के साथ उसको देख रहे हैं, ये जो लेबल हम लगाते हैं पेन का, उस लेबल को हम हटा दें, हम बोलेंगे एक सेंसेशन है। समझ पा रहे हो कि दर्द नहीं है, सिर्फ एक सेंसेशन है, देखता हूं, लाइफ का पार्ट है। जैसे प्लेजर जरूरी है, प्लेजरेबल सेंसेशन जरूरी है, ऐसी पेनफुल सेंसेशन भी तो जरूरी है। सोचो कितनी जरूरी है। आपकी बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, वो अच्छा है आपके लिए या बुरा है? अच्छा है,
क्योंकि उससे आपको पता लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर वो पता ही ना लगे और सीधे टपक जाओ तो क्या होगा, सीधे हार्ट फेल हो जाए तो क्या होगा, समझ पा रहे हो ना। तो ये एक मैकेनिज्म है इस पूरे के पूरे नेचर का, जिस मैकेनिज्म को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप आग के पास हाथ लेकर के जाते हो तो हाथ जलने लग जाता है, ये अच्छा है बुरा है? अच्छा है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर ये हो ही ना तो क्या होगा, एक बच्चा जाकर के आग में कूद जाएगा, हो गया स्वाहा, समझ गए ना। अच्छा है, बच्चे के अंदर भी इंटेलिजेंस फीडेड है, आग के पास जैसे जाएगा उसको गर्म लगेगा, वो पीछे हट जाएगा। तो ये दोनों ही सेंसेशंस एक्चुअल में हमारे लिए अच्छी है, कोई भी बुरी नहीं है, प्लेजरेबल भी और पेनफुल भी। ये जो हम पेनफुल सेंसेशन से डर रहे हैं ये प्रॉब्लम है, और प्लेजरेबल सेंसेशन से अटैच होते चले जा रहे हैं ये प्रॉब्लम है। अटैच उस मूमेंट में हो रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में सोच रहे हैं ये प्रॉब्लम है। और उसको पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, गलत काम भी करने को तैयार हैं, ये प्रॉब्लम। उन प्लेजरेबल सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यास लगी है, पानी पिया, अच्छा लग रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? दैट मींस कि सही हो रहा है कुछ, है ना। आंख में लाल मिर्च डाली, जलन हो रही है, इसका मतलब कुछ आप गलत कर रहे हो, जाग जाओ। चीखने से क्या होगा, ये बुरा है बुरा है बुरा है बुरा है, वो करना बंद कर दो जो आप कर रहे हो, इसी को कर्म बोलते हैं। वो कर्म करने बंद कर दो जिसकी वजह से कुछ बुरा फल आ रहा है, वो ना बंद हो जाएगा। सिंपल हो रहा है ना। हाँ, तो ऐसे अगर आप इस पूरी मूवमेंट को देख पाओ तो क्या होता है उस वक्त में, फिर सिर्फ सेंसेशन रह जाती है। और बड़े कूलली, बड़े कामली आप आराम से बैठ करके देख सकते हो क्या हो रहा है। हमारी ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है कि यहां पर खतरा है, लेकिन मेरी बुद्धि को पता है, समझ गए ना, मेरी बुद्धि को पता है ये खतरा नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने क्या बोला अपनी ब्रेन को कि ये सेंसेशन तुझे बुरी लग रही है, बुरी है नहीं, अच्छी है ये, उस बॉडी के लिए जिस बॉडी को तू प्रोटेक्ट कर रही है। थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया, समझ आ पा रहा है? बुरे से बुरे एक्सपीरियंसेस में भी, पेनफुल से पेनफुल, फिर चाहे वो पेनफुल बॉडी के लेवल पे हो, चाहे माइंड के लेवल पे हो, समझ आ रहा है ना। माइंड के लेवल पे जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको दुख बोलते हैं, बॉडी के लेवल पे जो होता है उसको दर्द बोलते हैं। दोनों ही बुरा नहीं है, जैसे दर्द अच्छा है अभी आप लोगों ने कहा ना, ऐसी दुख भी अच्छा है। जब भी दुख हो रहा है समझ जाओ कुछ गड़बड़ करी है, इसलिए दुख हो रहा है, अदरवाइज दुख नहीं हो सकता। दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में, एक इमेजिनेशन है, एक इल्यूजन है, किसी झूठ को आपने सच मान लिया है, कुछ ऐसा पकड़ लिया है ना समझी की वजह से, जिसकी वजह से दुख हो रहा है, अदरवाइज दुख होने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है जी, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ सेकेंड्स के लिए एक दिन में, कुछ मिनट के लिए एक दिन में एक्सट्रीमली प्लेजरेबल सेंसेशंस होती हैं, एक्सट्रीमली पेनफुल सेंसेशंस होती हैं, बाकी टाइम पे क्या होता है? कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। उस टाइम पे क्या करना है ये लोगों को पता नहीं है। ध्यान से समझो कि जिस वक्त में कुछ नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त में क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी आर्ट है। आप अगर आराम से बैठ जाओ और एक न्यूट्रल स्टेट में भी खुशी से अंदर से झूमते रहो, न्यूट्रल स्टेट में खुश कैसे रहना है वो आपको आ जाए, तो अब आपकी जो लाइफ की भागदौड़ है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? स्ट्रेस बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाए, ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। सारा स्ट्रेस किस लिए है? दाल रोटी का स्ट्रेस नहीं है लोगों के ऊपर, एडिशनल जो डिजायर्स है, हमारी जो पोजीशन है, नाम है, फेम है, उसका स्ट्रेस है ना। आपकी लाइफ बिल्कुल सिंपल हो जाए तो कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से बैठे हुए एक न्यूट्रल स्टेट में, यानी कि आप अपने आप से खुश हो, खुद से खुश हो, ये हाईएस्ट लेवल है, यहां तक पहुंचना है। बाकी सब टूल्स हैं यहां तक पहुंचने के, क्योंकि जब तक आपकी समझ गहरी नहीं होगी लाइफ की आप यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। आप बैठोगे
पांच मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम बोल रहा हूं, बोर हो जाओगे। आपको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। क्या चाहिए कभी सोचा है? क्या करोगे माइंड के अंदर, क्या सोचोगे? या तो मुझे ये पाना है, क्यों पाना है? क्योंकि ये पा करके ये प्लेजरेबल एक्सपीरियंस मिलने वाला है, या ये हो गया तो क्या होगा, क्या है ये? एक पेनफुल एक्सपीरियंस है बस। इसके अलावा कुछ और सोच सकते हो? ये दोनों ही चीजें टेम्पररी हैं, आती है जाती है। परमानेंट क्या है? 24 घंटे में से कुछ सेकंड्स के लिए दो स्टेट्स रहती हैं, बाकी 24 घंटे क्या रहता है? न्यूट्रल स्टेट। ये समझ नहीं आ रही ना, न्यूट्रल स्टेट क्या है? ये नहीं आ रही? साउंड ऑफ साइलेंस देखा है आप लोगों ने? Yes. उसको बारीकी से देख लो, समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब कुछ नहीं होता, यानी कि कोई प्लेजरेबल एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं होता, उस वक्त क्या होता है? एक आप होते हो जिसको आप अपनी कॉन्शियसनेस बोलते हो, दूसरा है साउंड ऑफ साइलेंस। होती है नहीं होती है? Yes. तो आप अकेले हो या नहीं हो, ध्यान से समझो। कौन है आपके साथ? साउंड ऑफ साइलेंस है। ये क्या है? ये अभी हमारी बुद्धि को समझ नहीं आया है। जब हम दुनिया को ही समझने में अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे, इसी को समझने में नहीं लगा रहे कि हमारी ये बॉडी क्या है, समझ गए ना, कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो साउंड ऑफ साइलेंस को समझने में क्या खाक बुद्धि लगाएंगे? मेरे लिए क्या है, एंड आई मीन इट, आप मेरी आंखों में देख सकते हो, मेरे लिए क्या है साउंड ऑफ साइलेंस? और क्यों है? बुद्धि की वजह से, समझ गया ना? समझ करके, बारीकी से, ऐसे नहीं, अंधविश्वास नहीं है, बुद्धि से समझ करके कि टेम्पररी चीज क्या है इस दुनिया में और परमानेंट क्या है, टेम्पररी से जुड़ने का नतीजा क्या है और परमानेंट से जुड़ने का नतीजा क्या है, और जिस परमानेंट चीज के साथ में मैं जुड़ रहा हूं, क्या वो मुझसे अलग है या वो मैं ही हूं? अगर मैं ही हूं और मैं किसी टेम्पररी चीज के साथ में जुड़ता हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं टेम्पररी हो जाता हूं और फिर खुद ही रोता रहता हूं? और अगर ऐसा ही है तो किसी टेम्पररी चीज के साथ में जुड़ना ही क्यों है? बार बार से जुड़े हुए हैं, विच इज ओके, बट अंदर से क्यों जुड़ना है? अंदर से सिर्फ एक के साथ जुड़ना है। समझ आ पा रहा है? थोड़ा ज्यादा डीप हो गया। इन शॉर्ट, लास्ट में मैं क्या कहूंगा कि आपके लिए क्या है? ये एक साउंड ऑफ साइलेंस है। सोच नहीं रहे कि ये क्या है, कोई वायर नहीं है, कभी सोचा है? दिमाग लगाया है? कोई तार नहीं है फिर भी आवाज आ रही है, कहां से आ रही है? रेडियो में से आपको आवाज सुननी होती है, तार चाहिए होती है ना, और वो तार भी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आवाज आएगी? नहीं आएगी। ये कहां से आ रही है? सोचा है कभी? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि हम बिजी हैं। किन चीजों में बिजी हैं? चिंती चीजों में। पहले उन चिंती चीजों से हमको ऊपर उठना है, वो भी उठना जरूरी है। जिस आदमी का पेट ही नहीं भरा हुआ, वो क्या सोचेगा इसके बारे में? एक बार आपने मेहनत करके, लक करके, स्मार्ट वर्क करके, कुछ भी करके अपनी लाइफ को सेट कर लिया, एक लेवल पे पहुंच गए, अब क्या करना है? अभी भी दुखी रहोगे, कितना भी ऊपर पहुंच जाओ दुखी ही रहोगे। इसको शराब मत समझना, रियलिटी है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको समझना होगा कि साउंड ऑफ साइलेंस है क्या, कोई तार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये आ रही है और अकेले मुझे नहीं आ रही है, सबको आ रही है, बिना किसी एफर्ट के आ रही है। छोटे से बच्चे को बोलो, 5 साल के बच्चे को, बेटा देख ऐसी कोई आवाज अंदर आ रही है, वो कहेगा हाँ आ रही है, कहां से आ रही है, क्या है ये, कैसे पैदा होती है ये, और ये मरती क्यों नहीं है? दुनिया की हर आवाज मर रही है, पैदा हो रही है, मर रही है, ये क्यों नहीं मर रही? कहीं हमारी लाइफ लाइन तो नहीं है? तो जिस दिन समझ आ गया गहराई से, तो उस दिन ये आपके लिए उतना ही मायने रखेगी जितना अभी मेरे लिए रखती है। मेरे लिए कितना मायने रखती है? अगर आप मुझसे कहो कि संदीप मैं ना तुमसे ये ले लेता हूं, ये क्या? साउंड ऑफ साइलेंस। सबको समझ आ रहा है ना साउंड ऑफ साइलेंस? देखा है ना आप लोगों ने? Yes. ठीक है कि संदीप मैं तुमसे साउंड ऑफ साइलेंस ले लेता हूं, बदले में तुम्हें 100 करोड़ रुपए दे देता हूं। आप क्या कहोगे? आप कहोगे 100 करोड़ छोड़ तू यार, तू 10,000 रुपये दे ले। ये है आपकी बात कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे साउंड ऑफ साइलेंस ले लेता हूं, बदले में क्या चाहिए बोलो, सौदा करते हैं। तो आप सौदा करने के लिए तैयार बैठे हो।
आप कुछ ना कुछ मांग लोगे। क्या मांगोगे वो आपकी अपनी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सपोजिंगली कोई तड़प रहा है, किसी की शादी हो गई है और बच्चे के लिए तड़प रहा है, वो क्या कहेगा मुझे, वो क्या कहेंगी मुझे कि हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हुआ है, बस हमें बच्चा हो जाए, लो ये सांग लो सैलरी, मुझे इसका क्या करना है कि नहीं। कोई है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, सोचो लोग कितने बेवकूफ हैं, कोई इसलिए दुखी है उसकी शादी नहीं हुई है और जिसकी शादी हो गई वो सब दुखी है तब भी वो इसलिए दुखी है क्योंकि उनकी शादी नहीं अपने सुख में भी दुखी है। एनी हाउ, तो उनको मैं बोलूं कि ठीक है आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी एज बहुत हो गई है, कैसा लड़का चाहिए आपको, आप क्वालिटीज बताओगे, 1000 क्वालिटीज। मैं कहूँगा ये लो वो लड़का, आप कहोगे वाह मज़ा आ गया, मिल गया, बिल्कुल परफेक्ट मिल गया, जैसा चाहिए था वैसा मिल गया, हो गई शादी। बट ये साउंड ऑफ साइलेंस मैंने ले ली, निकाल ली। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है, कोई हो सकता है डिग्री मांग लेगा, कोई कहेगा यार पढ़ना ना पड़े मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मुझे ऑफर दो, मुझे क्या ऑफर दोगे। ये तो थी आपको मिल जाए और आप बदले में इसको दे दोगे। आप मुझे बोलो संदीप तेरा सब कुछ लिया, सब कुछ मतलब सब कुछ, पैसा भी, नाम भी, फेम भी, रिलेशंस भी, जो लोग हैं वो भी, ये बॉडी भी, ये सांसें भी, सब कुछ देता है क्या साउंड ऑफ साइलेंस? ना, नहीं दूंगा। तो जब आपको ऐसा इश्क हो जाएगा उससे जो कि परमानेंट है, अब क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ? अभी आपको इश्क किससे है, ये मन हमारा कैसे काम करता है, इश्क पे काम करता है। इश्क किससे है, प्यार किससे है, चीजों से है, लोगों से है, किससे है, कोई भी सेम रहने वाला है ना? क्या ये बदलने वाली है साउंड ऑफ साइलेंस? ना। मेरे को इश्क किससे है? उससे जिसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती, मुझसे अलग नहीं कर सकती। आपको इश्क किससे है जिसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती? अलग होना ही होना है। अगर आपको मेरी ये बात समझ आ जाए, कुछ भी ना समझ आए, सिर्फ इतनी सी बात समझ आ जाए जो मैंने अभी बोली है, तो आप राजा हो। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो, अगर आप एक फकीर भी हो इस दुनिया की नज़र में तो, अगर ये बात समझ नहीं आई और आप इस दुनिया में राजा भी हो, भिखारी हो दो कौड़ी के। इसको और सिंपल करता हूं, आप एक स्टेज पर हो, एक रोल प्ले कर रहे हो पुलिस ऑफिसर का, लेकिन एक्चुअल में आप एक पुलिस ऑफिसर नहीं हो, आप एक एक्टर हो, तो ये दो अलग अलग लोग हैं, एक ही है। क्या फर्क है दोनों में? एक रोल प्ले कर रहा है और एक एक्चुअल में, बस एक कुछ कर रहा है एक कुछ नहीं कर रहा है, समझ गए ना? पुलिस वाला पैदा हो रहा है, पुलिस वाला मर रहा है स्टेज के ऊपर, पुलिस वाले को गोली लग रही है, पुलिस वाला खुश हो रहा है, पुलिस वाले की शादी हो रही है, पुलिस वाले के बच्चे हो रहे हैं, पुलिस वाला सुखी हो रहा है, पुलिस वाला दुखी हो रहा है, सब कुछ पुलिस वाला हो रहा है और हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, बट एक्चुअल में एक्टर का उसके ऊपर क्या फर्क आता है? जिसको ये बात समझ नहीं आई वो कैसे जिएगा? उस पुलिस वाले का सुख दुख उसका सुख दुख बन गया, जिसको समझ आ गया कि ये सिर्फ एक रोल है वो कैसे जिएगा? पुलिस वाला जीता है जिए, मरता है मरे, इसको पैसा मिलता है मिले, ना मिलता है ना मिले, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो जो एक्टर होगा वो अपना रोल ज्यादा अच्छे से प्ले कर पाएगा पुलिस वाले का, या वो बंदा जिसको पता ही नहीं है कि मैं एक्टर हूं उसने अपने आप को पुलिस वाला समझ लिया? सोचो बारीकी से, सोचो कौन ज्यादा अच्छे से अपना रोल प्ले कर पाएगा? जिसको पता होगा, क्योंकि वो चेंजेस ला सकता है अपने रोल में, उसके हाथ में कंट्रोल है, वो जैसे रोल में चाहे अपने आप को ढाल सकता है, उसको पता है कि मैं एक्टर हूं, तो वो एक सेकंड में अपनी वर्दी उतारेगा, कोई दूसरी वर्दी पहनेगा, मान लो जमादार की पहनेगा, और वो जमादार बन गया। दुनिया क्या कह रही है, कल तक तो पुलिस वाला था तू जमादार बन गया, कह रहा तेल लेने जाओ, समझ गए? और यही उसको नहीं पता,
उसको नहीं पता कि वो एक्टर है, उसको लगता है कि मैं पुलिस वाला हूं, और उसकी वर्दी छीन ली, उसको जमादार बना दिया, तो क्या होगा? बाकी की जिंदगी रोता रहेगा। देखो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अब अगर सुनने का दम है तो सुन लो। अगर आप भगवान नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्यों? सोचो अगर भगवान कोई और होता, सोचो मैं भगवान होता और आप भगवान नहीं होते, तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? भगवान मतलब क्या, अच्छा इंसान बुरा इंसान? अच्छा इंसान। तो मैं आपको प्रॉब्लम में कैसे आने दूंगा? आप बुरे भी हो गए तब भी मैं आपको प्रॉब्लम में कैसे आने दूंगा? समझ पा रहे हो? मैं आपको दुखी कैसे देख लूंगा? है कि नहीं? ऑब्वियस है ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप भगवान हो जिसके पास में इनफाइनाइट पावर्स है। अब उसने मान लिया कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं ये हूं, अब उसको कौन बनाए? आप ही भगवान हो। खुद ही को जानना पड़ेगा, खुद ही मानना पड़ेगा। खुद ही माना ना आपने कि मैं ये हूं, तो खुद ही समझना पड़ेगा कि मैं एक्चुअल में कौन हूं। जब तक वो नहीं समझा तब तक क्या होगा? वो भगवान जिसके पास में इनफाइनाइट पावर्स हैं, वो इस फाइनाइट बॉडी के थ्रू एक्ट करता चला जाएगा, जो सारे काम फाइनाइट होंगे। समझ आ रही है बात? ये अजीब लग रही है सुनने में। तो ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लिमिटेड हैं, हम छोटे हैं, हम गए गुजरे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज्यादा बड़े हो। ये है आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम। ये नहीं है कि आप भगवान से अलग हो, क्योंकि अगर अलग होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। समझो, अगर मैं भगवान हूं तो मैं एक सेकंड भी आपको दुख में नहीं देख सकता। चीख पड़ूंगा मैं आपको दुख में देख करके, और मेरे पास में सारी पावर है, ऐसे चुटकी घुमाऊंगा सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो सर लोग मंदिर क्यों जाते हैं? लोगों की तो छोड़ ही दो ना। आपने ये क्यों माना कि मैं ये बॉडी हूं? जब ये मान लिया तो ये मानने में क्या देर लगती है कि वो मूर्ति में भगवान बैठा है? और लोग मंदिर क्यों जाते हैं वो तो छोड़ ही दो, वो तो एक अलग ही टॉपिक है। वो अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए जाते हैं, भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है। अगर भगवान के लिए श्रद्धा है तो मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, कोई कूड़ादान भी हो ना, वहां पर भी बैठ करके आप भगवान को याद कर सकते हैं और अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं, उसको भक्ति बोलते हैं। प्रॉब्लम की जड़ पकड़ में आ गई? ये जड़ है। इस जड़ को जड़ से उखाड़ना है तो क्या करना है? अपनी बुद्धि को शार्प करना है। बुद्धि शार्प कैसे होगी? इस दुनिया में रह करके अपने जो भी काम है उसको समझदारी से करो। फिर एक दिन ऐसा आएगा, पूरी समझदारी के बावजूद भी, हर काम समझदारी से करने के बावजूद भी, बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी, रिलेशनशिप्स को ठीक करने के बावजूद भी, सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी आपके अंदर एक खालीपन होगा। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं सारी स्टेजेस को देख चुका हूं, तब भी दुख होगा। उस दिन इस समझदारी को यूज करो ये पूछने के लिए कि मुझे सब कुछ मिल गया तब भी मैं खुश नहीं हूं, क्या चक्कर है? मैं कौन हूं? और जिस दिन आपके अंदर ये सवाल आ गया, मैं कौन हूं, उस दिन खेल शुरू हो गया। फिर आज नहीं तो कल आप समझ जाओगे। थैंक यू जी।